सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर रोज आने वाली हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ साथियों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। और हाँ साथियों, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई कि यदि आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेशन में जाकर हमसे संपर्क कीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए गए हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन ग्रुप के साथ। तो दोस्तों, देरी किस बात की, फॉलो कीजिएगा हमारा अबाउट सेशन और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और ये वीडियो बेसिकली सैमसंग यूज़र्स के लिए होने वाली है, चाहे वो बेसिक यूज़र हो या फिर एडवांस यूज़र हो, सिर्फ सैमसंग यूज़र्स के लिए है। अदर यूज़र्स वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। और एक खुशखबरी भी है, लेकिन उससे पहले जान लें कि वीडियो में आज क्या खास है। आज की वीडियो में हम सैमसंग सिक्योर फोल्डर के बारे में बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का क्या काम है, कैसे वर्क करता है, क्या यूज़ है इसका, पूरा डेमो दिया है हमने आज की इस वीडियो में। और सूचना ये, ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन के बर्थडे पे 16 तारीख यानी कि 16 मई 2023 पर एक वेबिनार रखा गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और वहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और जुड़ जाएं हमारे साथ। और वहां पर लाइव आपको मिलवाया जाएगा टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के जीतू राज सर से और वीआई डेवलपर की पूरी टीम से। तो देर किस बात की, जल्दी से फॉर्म को सबमिट करें और 16 तारीख को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। मेरा नाम है विकास चौधरी, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं अपने फ़ोन के टॉक बैक को ऑन करता हूं, लेकिन उससे पहले देखो इसका काम क्या है सिक्योर फोल्डर का। ये हमारे ऐप्स जो होते हैं ना, जैसे कि मान लो फ़ोटो है, इमेज है, वीडियोस है, इन सारी चीज़ों के यदि हम हाइड करके रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं, तो वो भी ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी एप्लीकेशन को डुअल मोड में ले जाके उसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो व्हाट्सएप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप एक व्हाट्सएप तो हमारा ये रहेगा और दूसरा व्हाट्सएप भी हमारा उसके अंदर बन जाएगा, जिसको कि हम अलग से दूसरे नंबर से बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिक्योरिटी में फुल एक्सेसिबल है, ठीक है, सिक्योरिटी पूरी देता है ये, 100% सिक्योरिटी देता है, जो कि हम थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन या फिर कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें डाटा लीक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये सैमसंग का अपना सिक्योरिटी का फोल्डर दिया गया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि सैमसंग कंपनी बहुत ही सिक्योर है। तो ये मिलता कहाँ है, कहाँ पे देखो, ये किसी किसी फ़ोन में एप्लीकेशन आता है, ठीक है। और यदि एप्लीकेशन नहीं है तो आप अपने फ़ोन में क्विक सेटिंग को ओपन करके देखो, वहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। यदि वहाँ पर भी नहीं मिलता है तो आप क्विक सेटिंग को ओपन करना, मोर ऑप्शन में जाना और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स न्यू कंटेंट अवेलेबल, उस पर क्लिक करना, ठीक है। उसमें जाने के बाद वहाँ पर आप स्वाइप करके देखना, वहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको डबल टैप टू होल्ड करना और नीचे थोड़ा मूव कर लेना और फिर सेव पे क्लिक कर देना, आपकी क्विक सेटिंग में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मिलता है, ठीक है। बाकी इसको आप इंस्टॉल कहीं से नहीं कर सकते हो। तो अब टॉक बैक ऑन करता हूँ मैं। तो अब मैं ओपन करता हूँ सिक्योर फोल्डर को, मेरी क्विक सेटिंग में देखता हूँ, Secure folder off button. ठीक है ये तो। और यदि आपके में कहीं नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे मोर ऑप्शन इसमें जाओ, pop-up window, edit buttons. ठीक है, ये एडिट का बटन मिल रहा है, इसमें जाओ, ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, देखो अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने निकाल दिया बाहर, है ना। Page one, the reset button, done button, 11, secure folder off button. तो secure folder को मैं ऑन करता हूँ, off, secure folder, welcome to secure folder. तो वेलकम कहा तो थैंक यू सो मच, सिक्योर फोल्डर आपको, राइट चलते हैं। मेंटेन योर प्राइवेसी, ओके,
Keep sensitive data and content in a separate, protected area on your phone. ठीक है, इसमें आप अपने किसी भी प्रकार के इमेज, फोटो, वीडियोस कुछ भी हाइड करके रख सकते हो जो कि दूसरे को पता नहीं चलेगा. Enhance your add second instances of your apps so you can use them in different contexts. ठीक है. Enhance your confused quick switch and content suggestions for a better privacy experience. By continuing, you agree to the terms and conditions. Use quick by continue. Continue का बटन मिलेगा, सिंपल क्लिक करना है. Secure folder. Permissions for secure folder. यहाँ पर इसको शारी परमिशन दे देनी, परमिशन मांग रहा है. ठीक है, किस किस चीज की परमिशन है देख लेते हैं. सिक्योर कैलेंडर, यूज द सिंक कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, यूज द सिंक फोटोज एंड वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक एंड ऑडियो, यूज फोन, यूज द गेट योर डिवाइस आईडी फॉर बैक डिवाइस एडमिन, अपीयर ऑन टॉप, कंटिन्यू. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, इसमें आप बहुत सारी चीजें छिपा सकते हो जैसे कि फोन, कॉन्टैक्ट, ऑडियो, वीडियो, फोटो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. ठीक है, ओपन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं. अब यहाँ पर आपको वेट करना है. ठीक है, आपका सिक्योर फोल्डर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, जब तक क्रिएट होता है तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पर डेमो दिखाया जा रहा है कि इसमें आपको कैसे क्या करना है, नॉर्मली दिखाया जा रहा है. ठीक है, बाकी एक टोटली ब्लाइंड पर्सन के लिए ये मायने नहीं रखता है. ठीक है, उसके लिए तो ये हमारी वीडियो है इसमें क्या क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे जब तक हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, अभी भी हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है. जैसे ही फोल्डर क्रिएट होता है फिर मैं आप लोगों को आगे का डेमो देता हूँ. अभी वेट करते हैं, तब तक हम अपने किसी मित्र से मिल लेते हैं. हेलो सर. जी सर, नमस्कार. नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए, आप कैसे हो और आपका चैनल कैसा चल रहा है इस समय? बस सर, बिल्कुल आपकी दुआएं हैं, चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है और हम भी बहुत अच्छे हैं. हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक दूसरे के साथ सभी लोग बने रहें तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा. और आपका जो चैनल चला रहे हैं, जो आपको रोज़ वीडियो बना के देते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. और आप लोग इस चैनल के लिए, सभी लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा. तो भाई, इन्होंने कहा कि आप सभी लोग चैनल पर बने रहो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. भाई, मैं आप लोगों से बहुत दिनों से ये चीज़ कहता चला आ रहा हूँ कि बहुत शेयर करो चैनल को, क्योंकि अभी तक वन के सब्सक्राइबर ना. जी, कहीं देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि अकेला इंसान कोई भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए यदि आप लोग, सभी लोग साथ देंगे तो सभी के साथ मिल करके आगे हम लोग बढ़ पाएंगे और आप लोग भी बढ़ पाएंगे आगे. क्योंकि ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड को आगे बढ़ना है. ब्लाइंड को ये नहीं दिखाना है दुनिया में कि हम ब्लाइंड हैं. ब्लाइंड नहीं बनना है दुनिया में हमको, नॉर्मल के से आगे बढ़ना है हम लोगों को, नॉर्मलों से आगे बढ़ना है. कितनी, यही हम कहना चाहेंगे. कितनी बड़ी बात कही है ना गाइस इन्होंने. इन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली. यदि माइंड से सोचेंगे हम लोग तो इस बात को, तो ये बहुत बड़ी बात है. और वैसे बहुत से लोग तो ऐसे हैं, भाई इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, तो वो एक बात अलग हो गई. ठीक है, बाकी मैं अब इनकी बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. यदि मैं एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है. अब हम राइट स्वाइप करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है. Secure folder, select the lock type to protect your apps and private files. If you forget how to unlock secure folder, you can reset your lock using your Samsung account. अच्छा, अब यहाँ पर आपको लॉक चूज करना है कि आप अपने सिक्योर फोल्डर के लिए कौन सा लॉक रखना चाहते हो. पिन, पैटर्न, पासवर्ड, ठीक है, जो भी रखना चाहते हो. पिन, मीडियम, पासवर्ड, हाई, पैटर्न, मीडियम, सिक, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स, एडिट, ऑफ. ठीक है, फिंगरप्रिंट को भी आप यूज करना चाहते हो तो इसको ऑन कर लो. ठीक है, ऑन, ये ऑन कर दिया. विद सैमसंग अकाउंट एट 7,970. ठीक है, इसको कुछ नहीं करना. पैटर्न, पासवर्ड, पिन, मीडियम, आइसिक, तो मैं यहाँ पे पिन रखने वाला हूँ. पासवर्ड, हो सकता है विंडोज सिक्योर फोल्डर, जो भी लोग हैं हमारे पार्सली भाई उन लोगों को हमारी स्क्रीन इस समय ब्लैक नजर आ रही होगी, है ना. तो आप लोग वो इसलिए क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर की अपनी खुद की सिक्योरिटी होती है कि पासवर्ड को वो स्क्रीन पर दिखाने नहीं देता. ठीक है, दिखाने की परमिशन नहीं देता है वो. ठीक है, तो आप लोग बने रहो, पूरी वीडियो ऐसी नहीं है, है ना, पूरी वीडियो की बत्ती नहीं गई है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बत्ती या बुझी हुई है. तो मैं पासपोर्ट एंटर कर लेता हूँ. ओके किया मैंने पासपोर्ट देके. Turn on reset with Samsung account. If you forget to unlock secure folder, you can reset your lock using your Samsung account, but only if you've already turned on reset with Samsung account. ठीक है. Can't activate. Activate कर देंगे इसको भी हम. Navigate up. Select pin, pass, pattern, biome, finger, reset, next. Next का ऑप्शन मिल रहा है होम बटन के जस्ट ऊपर, क्लिक करेंगे. Secure folder. Secure folder. Pop-up window. Quickly switch to and from. Try it now.
Quick switch. Navigate up. With quick switch, you can instantly switch between normal and secure folder view of any app by side key settings. इसको हम करने वाले नहीं हैं, ठीक है, इसको बैक करते हैं. Secure folder. Secure folder. अभी हम अपने secure folder के अंदर आ चुके हैं, ठीक है. अब देखो इसको कैसे यूज करना है. राइट, चलते हैं. Add apps. ये add apps का ऑप्शन है. यहाँ पर आप एप्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है. जिस भी एप्लीकेशन को आप डुअल मोड में यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे देखो ऑलरेडी से कुछ एप्लीकेशन ऐड होते हैं, दिखा देता हूँ मैं. Search, more options. यहाँ पर मोर ऑप्शंस भी है, ठीक है. मोर ऑप्शंस में हम लोग बाद में जाएंगे. Content suggestions. Content suggestions ये एप्लीकेशन है. Camera. कैमरा है. Internet. और इंटरनेट है. Contacts. कॉन्टैक्ट है. Gallery. और गैलरी. Calendar. कैलेंडर. My files. और माई फाइल्स, ठीक है. तो इतने ऑप्शन हैं. अभी हम मोर ऑप्शंस में चलते हैं. Gallery, con, enter, cam, content, more option, pop-up window, lock and exit. Lock and exit. जब आप इसको लॉक करना चाहो, एग्जिट, लॉक एंड एग्जिट, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है. बट अभी नहीं. Add files. Add file का ऑप्शन मिलता है. जिस चीज़ को आप यहाँ पर छिपाना चाहते हो तो आपको add file पे क्लिक करना है. तो मैं add file पे क्लिक करता हूँ. Add files. Images. देखो यहाँ पर आप इमेज छिपा सकते हो. Videos. Videos. Audio. Audio. Documents. Documents. My files. या फिर अपनी माई फाइल से कुछ चूज करके वो भी छिपा सकते हो, ठीक है. तो मैं आपको आप प्रैक्टिकली एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पर इमेज का, ठीक है. Images. क्लिक किया मैंने. Gallery. Not checked. One item selected. एक मैंने इमेज सेलेक्ट किया. राइट, चलता हूँ. टॉप राइट कॉर्नर में आपको डन का ऑप्शन मिला है. सिंपल क्लिक कर देना है. Move file or copy it. If you move this file to secure folder, it will be removed from its original folder. अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं. मूव करना चाहते हो या फिर कॉपी करना चाहते हो. यदि आप मूव कर दोगे तो ये आपकी गैलरी से जो भी आपका इमेज जहाँ कहीं भी होगा वो फिर और कहीं पर भी शो नहीं करेगा. चाहे आप अपनी फाइल में चले जाना, फ़ोन की, या फिर गैलरी में चले जाना, कहीं भी शो नहीं करेगा. वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर फोल्डर में ही शो करेगा. यानी कि पूरी हर एक जगह से हाइट हो जाएगा, सिर्फ यहीं पर रह जाएगा, ठीक है. और दूसरा है कॉपी. तो कॉपी का मतलब ये है कि यहाँ पर भी शो करेगा और आपकी फ़ाइल में भी वो शो करेगा, ठीक है. तो इसको हम मूव कॉपी कर लेते हैं. चलो मूव क्या ही करना. Cancel, copy, secure folder, more options. ठीक है, हमने इसको हमने कॉपी कर दिया, ठीक है. लेकिन कॉपी तो कर दिया, लेकिन अब ये सिक्योर फोल्डर के अंदर शो कहाँ पे करेगा. ये आपको शो करेगा सिक्योर फोल्डर के अंदर जो गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है उसके अंदर ये इमेज आपको मिल जाएगा. चलते हैं, देखते हैं. Content, camera. Gallery. ठीक है, इसके अंदर आप आओगे. Gallery. ये देखो. Search. The date. May 13th, 2023, 9:49 AM. Image. ये इमेज आ गया यहाँ पर, ठीक है. इसको यदि आप हटाना चाहते हो तो सिंपल One item selected. लॉन्ग प्रेस करके रखो. Delete all. डिलीट पर क्लिक कर दो. ये जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाएगा. Hold. Cancel. Move to recycle bin. Cancel. Move. New notification. Content hidden. New notification. ये जहाँ से आया था वहीं गया. Gallery. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को छिपा सकते हो, ठीक है. अब डुअल ऐप्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है. जैसे कि मान लो इंटरनेट ऐड ऐप्स. ऐड ऐप्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करते हैं. सिक्योर फोल्डर, नेविगेट अप. यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन को डुअल मोड में यूज़ करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो. जैसे कि मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेता हूँ. नॉट टिक वाशिंगटन बिजनेस. नॉट टिक व्हाट्सएप. टिक. ठीक है, ऐड. और ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. बैक बटन के जस्ट ऊपर मिलता है. सिक्योर फोल्डर. Add apps. अब ये ऐड हो गया, ठीक है. अब देखो यहाँ पर Search more options. Cam, internet, con, gallery, talent, my, WhatsApp. WhatsApp आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे. WhatsApp. अब देखो Welcome to WhatsApp. Welcome to WhatsApp. ठीक है, अब यहाँ से आप अपनी WhatsApp की एक नई आईडी बना सकते हो. Choose your language. Next. ठीक है, next करके देखो. Read our privacy terms of agree and continue. ठीक है, तो यहाँ से आप न्यू आईडी बना सकते हो. बाकी इसका उस WhatsApp से कोई लेना देना नहीं है. देखो ये WhatsApp हमारा बाहर वाला. ये देखो ये अच्छे से चल रहा है. देखो इसमें चैट ओपन हो रही है. ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है उसे उस WhatsApp से. ठीक है, और इस WhatsApp में देखो यहाँ पर अग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आप डुअल मोड में यूज कर सकते हो. ठीक है, इसके अंदर हम वापस जाते हैं. लॉन्ग प्रेस किया मैंने. Confirm secure folder pin. Pin. Showing new यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं अपना. पाँच. ठीक है, तो वापस से हम वहीं पर आ चुके हैं. Secure folder. Navigate up. Secure lock and lock type. Pin. Lock and secure folder. Lock and lock type. Pin. Auto lock secure folder. ठीक है, अब ये इसकी कुछ अपनी सेटिंग है. ठीक है. Lock and security. ये इसकी कुछ सेटिंग है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको. Lock auto lock secure folder. Lock automatically when screen turns off. ठीक है, लॉक ऑटोमेटिकली स्क्रीन टर्न ऑफ. ठीक है, इस पर क्लिक करके ऑटो लॉक नॉट सिलेक्टेड ईच टाइम आई लीव एन ऐप.
selected when screen turns off. Not selected after 5 minutes. ठीक है, आपको जैसा चाहिए वैसा चूज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से secure notifications and data. Notification and data. Secure folder. Show content. Show the content of notifications from apps in secure folder. Off. इस ऑप्शन को यदि आप ऑन कर देंगे तो आप जब भी कुछ करेंगे सेव करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. App notifications. ठीक है. Data to show contact info. Let apps allow clipboard. Allow secure folder data to be copied and pasted outside of secure folder. Off. ठीक है, जब भी आप अपने क्लिपबोर्ड में कुछ भी कॉपी या पेस्ट करेंगे तो वो सीधा सिक्योर फोल्डर में जाएगा. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ से बैक करता हूँ. ठीक है, ऐप्स स्क्रीन ये ऑन है. ठीक है, अब हमारी ऐप्स स्क्रीन में ऐड हो चुका है. ठीक है, क्विक स्विच जनरल, क्विक स्विच जनरल ऐप्स, ये ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है. apps, यहाँ से आप ऐप्स को मैनेज कर सकते, देखते हैं क्या करना है. यहाँ पे देखो ऐप्स शो कर रहा है. Work Android, work auto, work camera, 8 point. ठीक है, app camera. यहाँ से info में जा सकते हो. ठीक है, secure manage accounts, restore from backup, manage accounts. यहाँ से अपना account manage कर सकते हो. Manage add account, auto sync secure folder data off. ठीक है, auto sync. आपके इसको आप on ही कर दो तो अच्छा है. ठीक है, and okay. Manage. ठीक है, auto sync option है. Restore from backup. Restore from backup. अपने बैकअप को भी आप रिस्टोर कर सकते हो यहाँ से. बैकअप इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, गॉट इट. ऐड अकाउंट, ऐड योर रिस्टोर, डिलीट सिक्योर फोल्डर, बैकअप डेटा डिसेबल्ड. ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर. मोर सेटिंग्स, डेटा यूसेज, यहाँ पर मोर सेटिंग है डेटा यूसेज का. अदर सिक्योर प्राइवेसी पॉलिसी, अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योर फोल्डर. इसमें चलते हैं. अदर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, डिस्प्ले ट्रस्टेड कैलिफोर्निया सर्टिफिकेट्स. ओके, इन सब चीजों के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ. ठीक है, क्योंकि वीडियो और भी ज्यादा बड़ी हो रही है. होम मैसेजेस, Gmail, page, secure, secure folder नामक एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया. ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो. और यदि आप किसी भी एप्लीकेशन को हटाना चाहते हो तो सिंपल लॉन्ग प्रेस करो. सेलेक्ट ऐड टू अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, इसको अनइंस्टॉल कर दो. यहीं से जाएगा ये. सिक्योर फोल्डर. ठीक है, ये सिर्फ यहीं से जाएगा. सिक्योर फोल्डर, होम पेज टू. तो भाई बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा. यदि आपके कुछ सवाल थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा. चलिए मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में. बाय बाय.